Good morning, everyone. I think all are enjoying the Sunday, but today we are discussing about employee problems, as I already mentioned earlier days. So here I am having some my friends. They will ask some questions about the what problem they are facing regarding the in their office, and they are also working in some company, and what are the problems they are facing. Instead of problems, I like to say you all, you just consider as a challenge. When you consider a problem as a challenge, you will get positive thinkings. Okay, just you are thinking the problem means you are not thinking about that particular event, what I can say. Just will starting worry about that particular event. So when you treat that problem as a challenge, at that time you will start thinking. See, that before that of worry, now you start thinking. So things always help you to find the solution of that particular event. That's why I like to say the problem you should not consider as a problem, you have to consider as a challenge. It's an opportunity to learn the new things. Samajh mein aa raha hai na main jo bol raha hu? जो भी प्रॉब्लम है उसको आप मतलब आपका मेरा थिंकिंग क्या है उसके ऊपर आप ये कर देंगे। हाँ, जो भी आपका प्रॉब्लम जो समझ रहे हैं ना, अभी आज से आपको ये बोलना है ये प्रॉब्लम है एक नहीं बोलना है आपको। सो यू टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे अनवर्ड्स आई एम हैविंग सम चैलेंजेस, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, कुछ चैलेंज आए ये सॉल्व करना है मुझको, एक ऐसा एक चैलेंज आया उसको सॉल्व करना है बस। उसको सॉल्व करना, जब आप सोचेंगे सॉल्व करना, तब आप सर्च करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बारे में थिंक करना स्टार्ट कर देंगे, वेयर इज द सॉल्यूशन। दुनिया में कैसा कैसा अजूबा मीन्स पहेली आता है, सब पहेली को एक सॉल्यूशन रहता है, एक आंसर 100% रहता है, उसको ढूंढना पड़ता है बस। प्रॉब्लम बताने से ये नहीं होता है, इसको सॉल्यूशन निकालना। हाँ, सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, जो बोल रहे हैं ना सही है। बताना किसको बताना चाहिए, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो आपके फील्ड में रहता है उसके साथ डिस्कस करना है। ऐसा चैलेंजेस है, ऐसा काम मिला है मुझको, ऐसा काम फेस कर रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। And online people's friends, if you are having any queries, you can also ask the questions. So whatever I am having the knowledge about that particular thing, I may give the answer for that. जो भी आपका मन में question चल रहा हो, वो question आप मुझको पूछ सकते हैं online में, मैं आपको मेरा कितना जानकारी होगा उतना मैं आपको दे सकता हूँ। आप बोलिए आपका जो problem, आप means events आप face कर रहे हैं, means you can share with that. With that, I can have the some. ऐसा कभी कभी ऐसा कुछ याद नहीं रहता है तुरंत, तो याद मतलब ऐसे सोचता हूँ मैं कि ये मेरे को याद है, लेकिन उस समय वो याद नहीं रहता। ओके, तुरंत याद नहीं आता है, समटाइम मतलब ऐसा मेमोरी लॉस जैसा हो जाता है। नहीं, ऐसा आप सोच रहे हैं ना, ऐसा मुझको होता है। फर्स्ट यू हैव टू ओवरकम फ्रॉम दैट थॉट। आपके मन में लग रहा है ना अभी मुझको ऐसा हो रहा है, मैं भूल जाऊंगा, ऐसा आपका थॉट जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, सो इट विल 24 आवर्स एक्टिव। अगर आप सो रहे हो, एक मच्छर काटता है आपका हाथ, आपके इजाजत के बिना वो मच्छर मार देता है, लेकिन इज इट गोइंग टू आस्क यू अभी मच्छर काट रहा है मैं मारूँ या नहीं मारूँ? आपका हाथ आपके कंट्रोल में नहीं रहता, सडनली इट विल गो एंड इट विल बीट दैट पर्टिकुलर मॉस्किटो। So, ऐसे ही मच्छर को जाके मार देता है, ऐसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, आप जो बोल रहे हैं ना उसको वो लिखता रहता है। अगर आप नेगेटिव आपके मन में भरोगे तो नेगेटिव सोचेगा वो। आप आज से ऐसा सोचना स्टार्ट कर, हाँ याद रख सकता हूँ, थोड़ा मुश्किल है अभी, मैं कोशिश करूँ तो आ जाएगा, कोशिश करूँ तो आ जाएगा, ऐसा बोलना है। कोशिश कभी काली नहीं जाता, कुछ ना कुछ आप सीख जाते। हार गए तो क्या, कुछ एक्सपीरियंस मिल गया, जीत गए तो सोने पे सुहागा। पॉजिटिव थिंकिंग। अब आज से आपको अपने आप में आपके प्रॉमिस करना है, सो आज से मैं ऐसा नेगेटिव अपने ऊपर नहीं टोकूंगा, मीन्स हमने हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं टोकूंगा मैं याद रख सकता हूँ तो मुश्किल है मैं, बट आई विल प्रैक्टिस। थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको, सुबह उठ के ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा,
वो करने से थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। हाँ, और जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपको अभी आपका कंपनी में आपको आपका सीनियर बोलते हैं ये काम करना है, दो दिन में ये काम करना है, ये करना, उसमें आप आपका प्रॉब्लम है वो भूल जाएंगे, आप भूल जाते हैं, है कि नहीं। सो अब क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम वो जो बताते हैं, एक पेपर, एक डायरी बना के रखना है, बस एक डायरी बना के उसमें लिखना है आज का क्या है। नहीं तो आजकल तो डिजिटल मीडिया मीन्स आपका मोबाइल है, एवरी आवर्स यू कैन व्हाट आर द वर्क्स यू आर हैविंग, वो लिख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, है कि नहीं। सो यू कैन सेव दैट पर्टिकुलर थिंग्स, देर इज अ सम प्रॉब्लम एज चैलेंजेस, गुड आई विल ट्राई एंड सक्सेस। विजय जोशी, थैंक यू सर, थैंक यू ज्वाइनिंग विथ एंड शेयरिंग यूर नॉलेज, थैंक यू। सो आपका जो सोच रहे हैं उस सोच को बदलना चाहिए, अगर आप सोच बदलोगे आपका पूरे दुनिया बदल जाएगा, मन का स्थिति बदल गए तो पूरा स्थिति आपका बदल जाएगा, ये थॉट रखना है। सो आज से आप एक काम कीजिए, एक डायरी में लिखिए, नहीं तो आपको लिखना है एक मोबाइल में, मोबाइल में आप सेव कर सकते हैं, वो एवरी आवर आपको याद करता रहेगा, कुछ दिन के बाद आपको याद आ जाएगा। लिखने से क्या होता है, वन टाइम राइटिंग इज इक्वलेंट टू 10 टाइम रीडिंग। सो क्या होता है इसमें, आप एक बार लिखेंगे ना वो तो आप बुक में लिखेंगे, मगर जो लिखते समय आप सोचेंगे ना वो सब सोच आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तब आपको याद जब आएगा और आप जो लिखे रहते हैं ना वो सेंटेंस, वो जो हैंड राइटिंग, वो पैराग्राफ, वो सब याद आ गया, याद आ गया तो आपका जो काम है याद आ जाएगा। और भी कुछ नाइस, शिवु समथिंग, प्रकाश इज गिविंग, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, कंग्रेचुलेशन, दिस इज योर मोस्ट कमेंटेड ऑन द लाइव वीडियोस, थैंक यू, एंड लॉट ऑफ पीपल्स आर ज्वाइनिंग, ओके थैंक यू, जस्ट बने रहिए मेरे साथ, ऐसे हिंगे इकोली इन्नू पॉइंट जास्ती इदावे, सो स्टिल आई थिंक 45 मिनट्स टू 1 आवर दिस सेशन इज गोइंग ऑन, एंड यू कैन इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, शेयर विद दिस वीडियो, दैट विल समवेयर इट विल हेल्पफुल फॉर देम, थैंक यू, कंटिन्यू प्लीज। आपका नेक्स्ट जो है आप फेस कर रहे हैं चैलेंजेस, कंटिन्यू ऐसा बात करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो गई। हाँ, ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, लॉट ऑफ पीपल्स आर कम टू मी, सो हमको याद रहता है सर, सब दिमाग में रहता है, कोई भी आदमी हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है ना, हम क्या पता नहीं भूल जाते हैं। जैसे कोई कोई रहता है ना कि वो दिन भर पूरा बोलते ही रहते हैं, जैसा मैं बोलता हूँ, हम भी कुछ शेयर करना चाहते हैं लेकिन हमको तो ट्राई नहीं होता है। हाँ, इसमें क्या होता है, एक मेजर प्रॉब्लम रहता है, हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे सामने जो बैठा है आदमी वो हमसे ज्यादा जानता है, वो सोच आपको निकालना है पहले। सब आदमी एक एक चीज में पर्टिकुलर उसका मास्टरिंग रहता है, अगर आपका टेक्निकल फील्ड में, आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी करते हैं आप लोग, वहाँ का जो प्रैक्टिकल काम चलता है वो तो 100% आप करेंगे, अगर मैं आके वो वहाँ देगा तो मुझको पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं, क्या ज्वाइंट कर रहे हैं, क्या वेल्डिंग कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा। सो आई एम जीरो इन दैट पर्टिकुलर देयर पर, उस टाइम पर आप आराम से बात कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आराम से बात कर सकते हैं ना। हाँ, अगर मैं जो उस टाइम पर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता वो चीज के बारे में, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। सो ऐसे ही अपना अपना जो प्रैक्टिस है वो कुछ सब्जेक्ट के ऊपर आपका मास्टरिंग है, वो मास्टरिंग के जो सब्जेक्ट रहता है उसके बारे में ज्यादा बात करना है पहले, आपका इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट में है वो सब्जेक्ट्स को आपका फ्रेंड्स के साथ ज्यादा बात करना चाहिए, तो हैबिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात है, आपके कोलीग रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, आपका फैमिली मेंबर रहते हैं, बेटा रहता है, डैडी रहता है, मम्मी, उनके साथ थोड़ा ज़्यादा बात करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उनका तो रिलेशन रहता है, आपका जो भी गलत होता है सो वो लोग आराम से, मीन्स यू आर नॉट हैविंग एनी इंसर्ट वॉट एवर इम्पेरेटिव कॉम्प्लेक्स, जो आपका हिचकिचाना होता है वो सब नहीं होता है। सो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको, तो फैमिली के लोग और फ्रेंड के साथ थोड़ा ज़्यादा बात करना चाहिए, तब आपका कम्युनिकेशन चल ज़्यादा हो जाता है। और मोर ओवर क्या होता है, आपको ये नेगेटिव सोच निकालना है, इनके सामने ये बात की है तो ये क्या सोचेंगे, अगर ये बात करूँगा तो ये क्या सोचेंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है। सो कुछ ही नहीं हो सकता, क्या होता, ज़्यादातर आपको गोली मरेंगे, आप गलत बात किया मार दो गोली, इसको उठा दो, तो नहीं बोल सकते ना। सो जो भी है आपका, एक बोल सकते हैं नहीं ये गलत बोल दिया,
आपको ये सही करना है, इतना तो आपका बॉस के सामने कुछ गलत बोल दिया आपने, क्या वो नौकरी से निकाल देगा आपको? नहीं ना, आप ऐसा डर डर के बात करते हैं ना आपके बॉस से, वो डर के हिसाब से और भी ज्यादा गलतियां हो जाता है। उसके सामने जाने में डरते आप, क्यों डरना क्यों है? बोले आप आपके जैसा वो भी इंसान है, आप जो काम कर रहे हो पहले वो 5 साल 10 साल पहले वो काम कर चुका रहता है, इसलिए उसको बढ़ोतरी मिलके आगे आया है, है कि नहीं? सो इसलिए जस्ट यू हैव टू कम्युनिकेट विद दोज पीपल्स वेरी फ्लुएंटली। आपको मन में जो है, जो काम कर रहे हैं, आपका विचार जो है, आपका आइडिया जो है, उसको आप आराम से बोल सकते हो उनको। अगर आप ऐसा शेयरिंग करोगे, आपका बॉस भी आपके साथ आराम से मिलेगा, वो भी आपका शेयर करेगा, आपका जो नॉलेज है आपका जो, वो भी लेगा नॉलेज, अपना जो नॉलेज है वो भी देगा ऐसा। अगर आप बोलना ही बंद कर देंगे, आपके बारे में कोई क्या जान पाएगा? आपके पास कितना भी नॉलेज हो, कितना भी नॉलेज हो, अगर आप उसको सबके सामने एग्जिबिट नहीं किया तो आपका जो पढ़ा है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, वो तो जीरो रहेगा ना। अगर समझो 10वीं तक कोई पढ़ा है, 10th तक जो पढ़ा है, उसके बाजू में एक और एक लड़का बैठा है, वो मास्टर डिग्री किया है, ये 10th का जो लड़का है वो इतना कॉन्फिडेंस है किसी के सामने आराम से बात कर सकता है, और जो मास्टरिंग किया है उसको डर है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो ये तो मास्टर है, सामने जो बैठा है आदमी वो तो मास्टर है, उसके सामने मैं क्या क्या बात करना है, ऐसा डर डर के वो कुछ भी बात नहीं कर सकता। वो 10वीं जो है, जो 10वीं तक जो पढ़ा है, वो आराम से पूरा आराम से बोल सकता है। ये मास्टर डिग्री पढ़ने वाला वो इतना भी नहीं बोल सकता। तो कौन मीन्स किससे सोसाइटी को यूज होता है? ज्यादा जो पढ़ा है उससे होता है, या कम जो पढ़ा है उससे होता है? कम जो पढ़ा है उससे होता है ना। सो इसलिए हमारा जो नॉलेज है उसको यूज करना है सोसाइटी के लिए। एक एग्जांपल ऐसा ही होता है, आपका जो कंपनी में एक कैसा काम चलता है समझो, उसका थोड़ा एग्जांपल अलग सा देता हूँ। समझो रेलवे ट्रैक्स रहता है, यहाँ एक रेलवे ट्रैक, यहाँ एक रेलवे ट्रैक रहता है, यहाँ एक ट्रेन जाना है, यहाँ एक ट्रेन जाना है। सो एक ट्रैक के ऊपर एक लड़का खेल रहा है, और दूसरा जो ट्रैक है उसके ट्रैक के ऊपर कोई 5-10 बच्चे खेल रहे हैं। अगर समझो वो एक लड़का जो खेल रहा है ना, वो ट्रैक तो खराब है, वो लड़के को पता है ये खराब है, 100% ट्रेन इधर नहीं आएगा, आराम से खेल रहा है, उसको पता है ट्रेन तो यहाँ नहीं आएगा, मुझसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए वो खेल रहा है। जो 10 लोग है उनको पता है ट्रेन इधर ही आएगा, फिर भी वो खेल रहे हैं, फिर भी वो लोग खेल रहे हैं, वो खेल रहे करके हम भी खेल रहे हैं। हाँ, वो खेल रहे ना, 10 लोग खेल रहे हैं। सो हम लोग, अगर ट्रेन आ गया उधर से, हमको बचाना है, किसको बचाएंगे आप? वो एक आदमी को बचाओगे या 10 लोगों को बचाओगे? 10 लोग। क्यों? 10 लोगों की जान जा सकती है ना। हाँ, एक का जाए तो जाए, नहीं एक तो भी नहीं जाएगा, एक तो अभी मान लीजिए वो खराब पड़ी, नहीं ऊपर खराब कट रहे टिक करते कुछ करना है, कर दिया तो दोनों के सबकी कोशिश करना है, कैसे करेंगे आप? ट्रेन इधर जाएगा नहीं तो उधर जाएगा। Anybody interested to give the answer for this? Hello? किसको बताना चाहेंगे आप? इसको बचाना, एक आदमी को बचाना है या 10 लोगों को बचाना है? I am waiting for your answers. The who is watching? Shashi, from where you are watching, boss? Bangalore. Where you are now? Lakshman sir, Uma, Murli, madam. Give me the answer for this. Try it. Let at least try it. सो सोचिए हमारा दिमाग कैसे काम करता है। आप बोल रहे हैं 10 लोगों को बचाओ, आपको पता है 10 लोग गलत काम कर रहे हैं, फिर भी उसको बचाना सोच रहे हैं आप। यहाँ एक आदमी सही चल रहा है, उसको मारना चाह रहा है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, ज़्यादा लोगों को बचाना है, वो सही है गलत हो, यू आर गिविंग द मोर प्रिफरेंस टू द नंबर ऑफ पीपल्स, नॉट अ सिंगल पर्सन।
कम्युनिटी ज्यादा लोग है उनको उनके तरफ जा रहे हैं आप, वो गलत गलती हो, हाँ गलत रहने से भी आप उनके साथ जा रहे हैं। ये सही है, एक आदमी उसको बताना नहीं है, ऐसे ही फैक्ट्री में चलता है, किसके पास पैसा है उसको फॉलो करना है, उसके साथ रहना है, ये सही है, ये करप्ट नहीं है, लॉयल है, एक ही आदमी खड़ा है ना, इसलिए उसको बात नहीं करना है। ऐसे हाँ, वो पटा हुआ जूता और पटा हुआ शर्ट पहन के जाता है उस, इसलिए उसको नहीं बात करना है। हाँ। जो आदमी कार पे जाता है, हाँ? उसके साथ रहना है, उसके साथ बात, हाँ, करना है। उसके साथ बात करना, उसका दोस्ती करना है, ऐसा ही हमारा ये चलता है। आप कंपनी में भी ऐसा ही चलना है, सब कंपनी में ऐसा ही चलना है, ऐसा ही चलेगा। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ आप जो बात करें या ना करें, आपका काम आपको करना है। एक ना दिन तो उनका अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो, जस्ट अपने काम से काम रखना है, आपका जो बॉस है उनके साथ आइडिया शेयर करना है। कुछ लोग ऐसा होता है, बॉस लोग, आप लोग जो आइडिया बोलते हैं वो लोग अपना नाम लिख के उसको भेज देते हैं, बाद में उनको इंक्रीमेंट मिलेगा आपको, जो जस्ट शाबाश, ओके फाइन, आपको काम तो आप कर दे। सो हाँ, इसलिए आप, कुछ लोग क्या करते हैं, क्या यार मैं तो कुछ काम कर रहा हूँ मगर क्रेडिट तो मेरा बॉस ले रहा है, आज से मैं काम वो ऐसा डेवलपमेंट काम करना छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका काम करना चाहिए, क्योंकि आप करना छोड़ दिए तो आपका क्रिएटिविटी बंद हो जाता है। भलाई आपका बॉस आपका नाम लेने दो, एक दिन पता चलेगा, सबको पता चलेगा आपका शिफ्ट अलग हो गया, वो बॉस का सेक्शन अलग हो गया, तब उसका परफॉर्मेंस लो हो जाता है, आपका परफॉर्मेंस ऐसा रहता है, उनको सोच पड़ेगा एमडी को, ये था करके, हाँ ये, इसलिए यहाँ तो वो अच्छे तरह से काम कर रहा था, यहाँ तो कुछ काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया। नहीं, उसका नीचे जो आदमी था वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, अभी वो तो निकल गया इसलिए इसका हो गया। तब आपका क्या हो रहा है, हमारा नया प्लांट है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकालने रहते हैं, कुछ गलत है, कुछ सही है, कुछ वो मॉडिफिकेशन करना है, कुछ रिक्वायरमेंट है, ऐसा पॉइंट वो ढूंढते रहते हैं। तो हमारा क्या रहता है कि जो पॉइंट जरूरी है वही हम ढूंढते हैं, कोई कोई का क्या होता है कोई उसका मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है, कुछ भी नहीं मतलब रहता, उसको करना भी नहीं चाहिए, ऐसा जरूर भी नहीं रहता है, वो खाली अपना नाम के लिए वो पॉइंट डाल देता है, ऐसा हो जाता है। तो उसका क्या हो जाता है, ऐसा पॉइंट डाल देता है तो वो पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारा पॉइंट कम हो जाता है, तो उसके लिए भी वो थोड़ा ये हो जाता है, डिले, मतलब वो ऊपर से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ये पॉइंट कम देता है, ये ज़्यादा, वो बाकी सब ज़्यादा देते हैं, ऐसा हो जाता है। तो हर फील्ड में है ना वो ऐसा, हाँ, हर फील्ड में है। जो अगर समझो आप भी अभी इंक्रीमेंट होके ऊपर का पोस्ट जाएंगे, आपका जो वर्कर आएंगे आप भी शायद ऐसा ही करेंगे। अब बोला अब बोलिए होता है ना, वो क्वाइट नेचुरल है, वो जगह का नियम है, छोटे वालों को खाओ, बड़ा छोटा मछली का आता है, बड़ा मछली जिंदा रहता है, हाँ, इसलिए छोटा छोटा मछली बहुत ज्यादा रहता है, बड़ा मछली एक दो रहता है, छोटा छोटा बहुत सारे रहता है, हजारों रहता है, आप बड़े होने तक चुपचाप सहना है बस, हाँ, पेशेंस, अगर आपका पेशेंस है सब आप आराम से विन कर सकते हो। सो दैट इज द थिंग व्हाट यू आर हैविंग, देन एनी अदर नेक्स्ट थिंग्स, Sagar sir, you can also ask some questions, whatever you, if you are having any queries and questions. और कुछ ऐसा concentration के बारे में कैसा? Concentration नहीं रहता है ज़्यादा, वो भी मतलब सब जगह mixing हो गया, सब काम ये हो गया ना, electrical से लेके instrumentation, mechanical, फिर कुछ घर का problem हो जाता है, तो सब दिमाग में एक ही बार आ जाता है, तो कुछ एक जगह में कंसंट्रेशन नहीं होता। एक ही बार सब दिमाग में क्यों ले रहे हैं आप, वही आ जाता है स्विच ऑफ, आपको ऐसा लगता है कि हम एक ही बार बड़ा पैर रखे कहीं ऐसा लग जाता है, ऐसा तो नहीं रहता है। देखो
हर आदमी का एक सोच रहता है, एक कैपेसिटी रहता है, एक कैपेसिटी रहता है ना। एक आदमी कितना 100 किलोमीटर बिना रुके भाग सकता है, एक 10 मीटर भाग सकता है, एक एक ही मीटर भाग सकता है। हर आदमी का एक कैपेसिटी रहता है, आपका कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए बस। जो रिलेटेड टॉपिक है उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, नेट से, नहीं तो कॉलिग से, हायर ऑफिसर से, नहीं तो जूनियर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। वो कैसे सॉल्व करना है, वो थोड़ा आपका नॉलेज डेवलप करना है बस। नॉलेज डेवलप करने से क्या होता है, आपका जो काम दिए 2-3 दिन में जो काम होता है वो 2-3 घंटे में कर सकते हो। अगर एक कंप्यूटर में डिज़ाइन करना है, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के पता नहीं है, कंप्यूटर में जाके ड्राइंग करो बोले तो आप कैसे ड्राइंग करेंगे? आप MS पेंट निकाल के उसमें ड्राइंग करना कोशिश करें। आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता है, ऑटो कैड ओपन करके आराम से ड्राइंग कर सकते हैं। सो वही काम नहीं बदलना है आपको, काम नहीं बदलना है, काम करने का तरीका बदल दो बस। इस रूट से नहीं पहुंचता है तो फिर इस रूट से जाएंगे, ये रूट देखेंगे क्या होता है। बहुत सारे रास्ते रहते हैं, सॉल्यूशंस हमको वहां तक पहुंचना है, रास्ते तो बहुत सारे रहते हैं। वो रास्ता, सही रास्ता कौन सा है चुनना है। और आपको, आप बोल रहे हर एक ही बार दिमाग में आ जाता है, आपको एक ही सब दिमाग में आ जाता है, मीन्स आप घर का टेंशन, ऑफिस का टेंशन, जो आपका बॉस जो काम आपसे लेके उनका क्रेडिट लेता है, ये सब झंझट में क्या होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है। इसलिए सुबह मेडिटेशन बोले पटरी से ट्रेन निकल गई है, ऐसा हो गया है फिर पटरी पर आना है अभी। सो पटरी पर लेके आना आपके हाथ में है, दूसरे के हाथ में तो नहीं है। पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू बिकम जीरो फर्स्ट, फर्स्ट यू हैव टू बिकम जीरो। आपके दिमाग में जो है, अब देखो ये पूरा रूम है, ये जो हॉल में रखा हूँ मेरा ऑफिस है, सब चीज इधर उधर उधर फेंक गया तो मैं उधर से एंट्री मारूंगा तो हर मेरे पाँव में सब लग जाएगा ना, यहाँ एक लगेगा, यहाँ एक लगेगा, देखने में भी कचड़ा कचड़ा लगेगा। जो मेरा काम होता है वो ठीक तरह से रख के गए तो वापस आराम से आ सकता हूँ। आपके दिमाग के क्या हो रहा है, आप तो काम तो कर रहे हैं, सब टेंशन से ले रहे हैं, मगर उसका जो क्लीनिंग नहीं हो रहा है, सब ऐसे ही रखते आ रहे हैं। आप ऑफिस घर से आपका जूता पहन के जाते हैं ना, आपका दिए ना कंपनी वाले जूते दिए ना, कंपनी का जूता पहन के जाते हैं आप, ओके घर आते जूते कहाँ छोड़ते हैं आप? जहाँ पे जगह है कहाँ पे, घर के बाहर, बाहर वही दरवाजे पर वो छोड़ते हैं ना, दिल्ली का एक ही जगह है, एक ही वही दिल्ली एक ही। हम क्या रोज रोज घर के आसपास इधर उधर सब एक एक दिन एक एक जगह छोड़ते हैं क्या? सब लोग एक ही जगह छोड़ते हैं, घर के बाहर छोड़ते हैं ज्यादातर 99%। सो जूते आपका निकाल के बाहर छोड़ते हैं ना, उसके साथ कंपनी का जो टेंशन है वो जूते का लेस रहता है ना, उसके साथ घाट भर के वहीं रख दो आप। आपका कंपनी का जो टेंशन है, जूता छोड़ते ना, मेरा साहब ऑफिस का टेंशन यही रहना है बस, वहीं रख के आप अंदर जाओ। अब जब घर में जाते हैं जो भी सोचा था ऑफिस का उसको दिमाग में मत ले, जीरो। कल देखेंगे क्या होता है ऑफिस में, वो ऑफिस में देखेंगे। अब तो मेरे घर में आराम से फैमिली के साथ रहना है, बच्चों के साथ खेलना है, मम्मी के साथ बात करना है, वाइफ के साथ बात करना है, खाना खाना है, टीवी देखना है, वो घर का जो है, तब आपके क्या होता है वो टेंशन भूल जाते हैं आप। घर का जो टेंशन है, मम्मी और आपका वाइफ बेटे उनके साथ, बेटी उनके साथ आप बात करते हैं ना, तब आपका रिलैक्सेशन मिलता है, जो भी उनका प्रॉब्लम्स है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप सुबह जो उठते हैं ना, वो रेडी होकर बाहर निकलते हैं, तब जूते पहनते हैं ना, वो घर का टेंशन वही छोड़ दो, आपका जो ऑफिस का टेंशन है वो जूते के साथ बांध लो आपके पाँव पे, भागो फिर से। दैट इज द बेस्ट सीक्रेट। सो दिमाग में ऑन एंड ऑफ स्विच रखना है, घर अंदर आते वो स्विच ऑफ करना है, ऑफिस का स्विच ऑफ कर देना है, डिस्कनेक्ट। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ऑफिस के लिए एक फोन नंबर रखते हैं, घर के लिए एक फोन नंबर रखते हैं, ऑफिस छोड़ दिया ना वो नंबर स्विच ऑफ कर देते हैं, वो सिम निकाल देते, नहीं तो स्विच ऑफ कर देते, डिसएक्टिवेट कर देते हैं ना ऑफिस के लिए, घर का। वो भी बहुत अच्छा टेक्निक है, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हर टेंशन एक ही बार आना छोड़ जाता है। ऐसे सब नहीं कर सकते क्या सर? ऐसे सब नहीं कर सकते हैं। हाँ सब नहीं कर सकते, आप करो। वो बाकी का क्यों सोच रहे हैं आप? सब बोले तो कि मान लो कंपनी का जो कोई मेन है, हेड है, वो कर सकता है अपना मर्जी, चाहे कभी भी बन सकता है। अभी हम करेंगे ना,
तुमका ही फोन बंद कर दिया था क्या क्या हो गया था कल से मतलब ये ऐसा भी बोलते हैं बोलते हैं बोले फोन क्यों रखा है क्या ऐसा ऐसा बात बंद बंद करो बोले तो कुछ लोग करते हैं मगर आपको ऐसा नहीं है तो बंद मत करो यू हैव टू गिव द मोर प्रेफरेंस टू इन व्हेन यू आर प्रेजेंट इन द होम आप घर में जो है घर का ज़्यादा ध्यान रखना है बस जो ऑफिस का ध्यान है थोड़ा कम करना है ऑफिस जाने के बाद ऑफिस का ध्यान करना है दैट इज गुड और श्रीकांत गुड मॉर्निंग सर संदीप शिवमती गुड मॉर्निंग सर आनंद कुमार गुड मॉर्निंग नागेंद्र प्रसाद गुड मॉर्निंग इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एम्प्लॉय प्रॉब्लम्स एंड वट एवर सो लाइक दैट यू कैन ऑल्सो आस्क एंड इफ यू आर हैविंग एनी सजेशंस फॉर द एम्प्लॉयज दैट ऑल्सो यू कैन गिव यू कैन कमेंट आपका कुछ और कुछ पूछना है जो भी नेक्स्ट और एक बात मैं जब भी जाता हूँ ना कंपनी के लिए ट्रेनिंग बुलाते हैं पर्सनल डेवलपमेंट है टेक्निकल डेवलप टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के लिए जाता हूँ ऐसा ही प्रॉब्लम रहता है कुछ लोगों का अरे सर क्या है सर हम लोग जो काम कर रहे हैं उनका ट्रेनिंग नहीं मिलता एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं मिलता सो हमारा कोलिग्स जो है जलसी हो रहते हैं आपके साथ होता है हाँ होता है वो जलसी क्यों आता है अपना क्योंकि आप उससे अच्छा कर रहे हो हाँ। वो जलस हो रहा है बोल के आपको फील नहीं होना है समवन इज हैविंग जलस ऑन अवर साइड मींस यू आर बेटर देन दैट पर्टिकुलर पीपल्स सो वो थोड़ा सोच रखना है मन में जो भी हमसे जलस कर रहा है मींस हम लोग बेटर देन दैट पर्सन यू आर गोइंग इन द गुड पाथ यू आर डूइंग द गुड थिंग्स सो दैट इज ऑल्सो यू कैन थिंक अबाउट दैट और अक्सर ऐसा होता है छोटा छोटा जो प्रॉब्लम रहता है वो प्रॉब्लम लेके वही बात करना आसपास अपने कॉलिग से ही बात करना वो थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा ज़्यादा बड़ा होता रहता है वो कुछ बोलेगा आप कुछ बोलेंगे वो जो प्रॉब्लम रहता है उसके आपका हायर जो रहता है उसके सामने थोड़ा बात किया तो उसका भी तभी सॉल्यूशन मिल सकता है वो ज़्यादा नहीं होता है हाँ वो एक चीज रहता है उसको भी छोटा छोटा रहता है वैसा बात नहीं करना नहीं आप आपस में बात कर दे तो क्या होता है और भी क्या यार मैं जो रहूं नहीं रहूंगा तब आप लोग ही बात करते हो क्या क्या बात करते हो मेरे पीठ पीछे क्या क्या होता है ऐसा हो जाएगा ये आप समझो आपके कलीग के सामने आप कुछ बोल दिया आपके बॉस के खिलाफ या उसके साथ वो आज नहीं तो कल उसको बोलेगा वो आपको सोचे क्या यार हमारे पीछे हो तो आप ऐसा बोलते हो कुछ बॉस लोग आपके आपको पूछते ही नहीं है वो जो बोलेगा वो सही है आपको अच्छी तरह से काम नहीं देते नहीं तो आपको सेटिस्फाई आपका जो भी काम आप कर दो आपको सेटिस्फाई नहीं होते आपसे वो एक प्रॉब्लम है किसी के बारे में कुछ भी है वो क्यों बोलना है हमको बोलना है जो आपको सही नहीं लगा तो वो सही जो पर्सन से आपको सही नहीं लगा डायरेक्ट उस पर्सन से आप बात कर सकते ना आप ऐसा कर रहे थे मुझको ऐसा लगा उस वो मेरा कैलकुलेशन मेरा व्यू सही है कि गलत है आप क्लियर कर दो आप जो काम कर रहे थे मुझको वो सही नहीं लगा उसको ही पूछ सकते हैं क्या मैं मुझ मेरा जो देखने का नजरिया चेंज हो गया या आपका काम सही है मुझको गलत लग रहा है ऐसा पूछ सकते हैं ना डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट क्या उस टाइम क्या होता हाँ हाँ आप जो बोल रहे हैं ना वो इस एंगल से सही है और इस एंगल से सही नहीं है वो क्लेरिफाई दे सकता है हम लोग क्या करते हैं उसके सामने बोलना छोड़ देते हैं वो जो आदमी है आपके बॉस हो कोई कोलीग हो दूसरा जो रहता है ना देखो वो ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है उसको नहीं आता है मैंने बोला था उसको फिर भी वो कैसा कर रहा है तब क्या होता है आज नहीं तो कल वो आदमी कहीं आप जब नहीं रहते ना वो मिल जाता ना देखो सर ये हमारा कोलीग जो है ना ये ऐसा बोल रहा था आपको काम नहीं करना नहीं आता वो कितने बार बोलता हूँ वो भी फिर भी नहीं कर रहा है तो क्या होता है आपका डिफ्रेंशिएट स्टार्ट हो जाता जैसे अभी एक बात हुआ था हमारे पास वेंडर आया था कौन वेंडर ओके मशीन का वेंडर और वो वेंडर आया वो
हमारे सामने ऐसे, हमारे सामने मतलब कोई दूसरा और एक था, तो मैं भी था उधर, तो वो हमारा जो बॉस है मेन, उसके बारे में वो बोल रहे हैं, वो ऐसा है वैसा है, उसको कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो हमको मेंटेनेंस के लिए बुलाता नहीं है, हाँ वो बोल रहा है, वो ऐसा कंपनी में आके वो कंपनी को बिगाड़ दिया, ऐसा ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, तो जस्ट ऐसे ही मैं वो बात, हमारा जो मैनेजर है ना हमारा, वो तो अभी नया आया है, वो मतलब जस्ट ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मतलब वेंडर ऐसा ऐसा है सर, तो ऐसे ऐसे वो बात कर रहे हैं। तो उस समय वो मेरे को क्या बोले कि ठीक है छोड़ दो, बोलने दो, क्या बोलते हैं उसको बोलने दो, ठीक है उसको मन में नहीं रखने का, ठीक है। तो मैं तो नहीं रखा था मन में, मैं जस्ट उनको ऐसा है करके, वो वेंडर आया नया आया है, वो भी इटली का मशीन है ना, उसका वेंडर है वो, और वो आके हमारे वो बॉस के बारे में ऐसा बोल रहा है, इसके लिए मैंने उनको बता दिया। तो उस समय वो क्या बोले कि ऐसा नहीं रखना है मन में, ठीक है ऐसा मन में नहीं रखना है। और दूसरे दिन के बाद में वही विंडर आके मेरे को बता रहा है, अरे बोल रहा है मैं वो कल उनके साथ कुछ बात कर रहा था, तो बोल रहा है वो बॉस के पास तुम्हारा चला गया वो बात। सो दैट इज व्हाट अब मैं समझो। बोला, मैं मन में सोच रहा है, मैं तो नहीं उनको बताया किसको, हमारा जो मैकेनिकल का है जो मेरे को बोल रहा था ना कि ऐसा नहीं रखना है मन में, उन्होंने वो बात कर दिया उन्होंने उनको बता दिया, और उन्होंने फिर वेंडर को फोन लगाया, क्या तुम ऐसा बोल रहा था हमारे बारे में सो दैट इज मैं बोलता हूँ ये मतलब छोटी छोटी बात है, फिर ऐसा हो जाता क्या है होता है, वही बात बड़ा हो जाता है और बड़ा हो पेमेंट रुक जाता जाता है, कभी कभी काम में देरी होता है। अरे मुझको काम करना नहीं आता बोला ना तुम, तो है। दूसरे से कर लो। दूसरे से कर लिया है। आप ही बोला था मेरे पीछे, बोला था ना उसके सामने, ये बोला उसको इसके सामने बोला था ना, तो मुझको काम नहीं आएगा तो फिर मैं क्यों करूँ, अब खुद कर लो। खुद कर लो। इसलिए आपके सामने जो चल रहा है वो आदमी को डायरेक्ट जाके, सर आप जो कर रहे हैं उसको मुझको थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको मुझको समझ नहीं आ रहा, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, मुझको समझ नहीं आ रहा थोड़ा बताइए आप, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या आप जो कर रहे हैं वो सही है। सब बोलने से क्या होता है, वो भी सोच में पड़ जाता है। हाँ वो भी बाद में क्या करता है, वो जो भी उससे समझो उससे भी गलती हो गया तो वो बोलता हाँ थैंक यू सर आप तो अच्छे से बोल दिए मुझको, वो थैंक यू बोलेगा, नहीं तो काम तो बिगड़ जाता था। काम तो बिगड़ जाता अभी मुझको और 5 दिन रुकना पड़ता था ये तो, अभी थैंक यू सर आप ये बोल दिया, अच्छे तरह ऑब्जर्व कर दिया आपने तो आपको थैंक्स बोलेगा थैंक्स बोलेगा ये सामने से। और बाद में जो हायर ऑफिसर है उसके सामने भी वो अच्छा आदमी रहे तो नेक दिल का रहे तो उसके सामने ही बोलेगा वो जाके, मैं तो कर रहा था सर आपका जो वर्कर जो है ना, आपका काम जो कर रहा है, आपका एम्प्लॉय जो है आके मुझको थोड़ा यहाँ गलत हो रहा था, मैं यहाँ आके वो बोला ये ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा बोला आइडिया दिया, इसलिए जल्दी काम हो गया, नहीं तो और 5 दिन रखता तब आपके आपका जो काम है बॉस के सामने आपका नाम बनेगा, आपका प्रेस्टीज ऊपर आएगा। सो दैट इज, और हम लोग क्या करते प्रेशर ज्यादा लेते हैं, काम तो इतना रहता है प्रेशर इतना रहता है, प्रेशर लेके लेके प्रेशर कुकर हो जाते हैं लोग, सीटी मारते हैं फिर प्रेशर जाके सीटी मारो चिल्लाना उसके सामने उसके ऊपर चिल्लाना रहता है। प्रेशर आप इतना लेते हैं ना उतना काम का प्रेशर बढ़, हम लोग प्रेशर लेने से काम बढ़ता है नहीं बढ़ता, बीपी बढ़ता है आपका, काम तो वहीं का वहीं रहता है, काम तो बढ़ता नहीं है, काम तो वहीं रहता है मगर आपका बीपी बढ़ता है। और आपका जो कॉलीग रहता है सीनियर रहता है जूनियर रहता है उसके ऊपर आप चिल्लाएंगे तो आपका वो काम का जो कॉन्फिडेंस है और कॉन्सेंट्रेशन है वो भटक जाता है बस। इसलिए जो काम है उसके कॉन्सेंट्रेट करना, चिल्लाना क्यों है, आज नहीं तो कल हो जाएगा ना, ये उसको हो जाएगा, चिल्लाने से क्या जल्दी हो जाएगा। बहुत ऐसा होता है बहुत सारा काम हमारा लिमिट से बाहर होता है, समझो आप अभी बस में जा रहे हैं, आपके कंपनी का बस है, रोज कंपनी का बस जाता है ना, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया, आपको 10 बजे फैक्ट्री में रहना है, ट्रैफिक में फंस गया तो आपको यार जाना है इधर ट्रैफिक जाम, आप इतना हाथ मारना है टेंशन यार जल्दी चलो इधर से चलो उधर से चलो, वो ड्राइवर परेशान हो जाता है, ये तू वो बोलता है तुम आके चलो तुम चलो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना, वही वो तो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है,
आप कितना भी उछलो कूदो चिल्लाओ, जब जाना है तब ड्राइवर को ऐसा कुछ भी करो, आप सिचुएशन तो आपके हाथ में नहीं है ना। 20-25 गाड़ी खड़ा है सामने और ट्रैफिक जाम हुआ है, तो फिर वो सबको आप तो आराम से ऐसा खिलौने के कार के जैसा ऐसा उठा के तो नहीं रह सकते ना। तो फिर तो कुछ सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं रहता है, छोड़ देना है कि अबे यार हमारे पास तो नहीं है सिचुएशन। और तब उसी टाइम पर आपके बॉस फोन करेगा, अरे यार किधर है आप सब लोग, बस में अभी तक बस में हो। हाँ वही हो जाता है, उसका यही बात बोलेगा वो, उसके चलते ऐसा हो जाता है। जल्दी आओ मतलब, जल्दी आओ बोले तो उतर के भागना है क्या हम? उतर के अभी 15 किलोमीटर रहता है, जाके भाग सकते हैं क्या? उड़ के भी जा सकते हैं क्या? नहीं ना, हमारे हाथ में नहीं है। सो कुछ सिचुएशन ऐसा रहता है वो दैट बिहाइंड आवर लिमिटेशन, उसको ऊपर हमको इतना प्रेशर लेंगे ना, आपका टेंशन उतना ही बढ़ेगा। वही टेंशन से जल्दी जल्दी भाग, वो वहाँ बैठ के वो पॉइंट पर पहुँचते ना, आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, जो बोलता है वो समझ नहीं आता, जो कर रहा है वो अच्छा नहीं लगता, जो बॉस वो डांट का वो डांट वहाँ काम पे निकालना है, यार इतना करने से भी ये नाम लेता है क्रेडिट ला, इतना गाली देता है क्या यार, छोड़ो यार ऐसा। जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर रहा है उनको करने तो क्या होता है। सो ऐसा होता है, बॉस लोग भी ऐसे करते हैं। उन लोगों को सोचना है, हमारे लोग है हमारा कंपनी, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आई दे हैव टू थिंक वी, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग वी सो दैट वर्क विल कंप्लीट वेरी फास्टली, टीम वर्क हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं ही करूँगा ये काम भी, मैं कर सकता हूँ आराम से कर सकता हूँ, ये मैं करूँ, ये है ना ये आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, ये तुम रहना तो मैं करूँगा, तुम रहना तो मैं करूँगा, उसको रहना तो मैं करूँगा, वो सब मैं कर दूंगा, अब क्यों चिंता, सब मैं कर दूंगा तो क्या होता है बाद में, कुछ भी काम नहीं कर सकता। उनको बोलना है, समझना है, आप दो लोग आओ एक काम ऐसा करो, आप दो लोग आओ एक काम ऐसा करो, वो आदमी को बुलाओ वहाँ कंपनी को भेजो, उसको लाने के लिए बोलो और अपना एक उसको शिफ्ट करने के लिए बोलो और अपना एक काम पकड़ो, हाँ उसको सरप्राइज किया, नहीं तो आपके खुद का एक काम कर दिया तो सब काम हो जाएगा। वो क्या करता है, मैं ये कंपनी में नहीं रहा तो कुछ काम नहीं होगा ऐसा वो MD को बताना चाहता है, ही वॉन्ट टू सप्लाई द इन्फॉर्मेशन लाइक दैट, इंस्टेड ऑफ हिम देयर इज नो एनी वर्क इज गोइंग टू बी परफेक्ट, कंप्लीट नहीं होता है ऐसा। शिवराज मेटी, गुड मॉर्निंग सर। हनुमंत, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून ऑलरेडी। श्रीकांत, we can give your suggestions and any questions so that I can give some more tips on that, or ज्यादा ऐसा एक्सपीरियंस वाला रहता है ना हमारे साथ में, तो कोई कोई रहता है ऐसा कि कुछ भी उनको मान लो काम बताने जाओ ना तो उसको अच्छा नहीं लगता है कि ये मेरे को काम ये कर रहा है बता रहा आप काम कंपनी का करके उसको बता रहे, लेकिन वो क्या समझ रहा है कि नहीं वो छोटा है और हम बड़ा है, तो उसके जी वजह से भी क्या हो जाता है फिर थोड़ा ये हो, मतलब हम क्या करें, अभी हमारा लेवल ही ऐसा है अभी कि हम अभी जैसे टेक्नीशियन लेवल है, लेकिन वो जो सीनियर है ना उसको भी हमको काम बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, ठीक है तो उसकी वजह से फिर हमको फिर कुछ ऐसा बात सुननी पड़ती है, ऐसा हो जाता है फिर हमारा वो मन में रह जाता है ऐसा क्यों। नहीं क्या होता है वो आदमी को मतलब तुरंत क्या बोलना चाहिए हमें, नहीं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपका वो सीनियर है, काम आप जो कर रहे हैं उतना वो जानता नहीं है, मगर आपका सीनियर है, आपका जूनियर है वो तो नया नया ज्वाइन हुआ है आपका कंपनी में, आप उसको तो बताना पड़ेगा। अब सीनियर को आपको बताना ऐसा है
उसको ऑर्डर जैसा नहीं लगना चाहिए, वो थोड़ा ध्यान में रखना है बस, ऑर्डर जैसा नहीं लगता। सर आप हम लोग दोनों मिलके ऐसा कर सकते हैं? नहीं हाँ वैसे ही बता, हाँ ऐसा ही बताना वैसे है, ऐसे बताते हैं। लेकिन वो क्या होता है, एक पॉइंट हो गया ठीक है, आज एक बताया कल एक बताया, ऐसे करके वो बढ़ जाता है उनको बताया, तो वो फिर क्या बोलते हैं कि नहीं ये हमको बता रहा है करके, ऐसा वो सोचते हैं। 100% सोचते हैं सब, कोई भी हमारा जूनियर जो है रोज आके कुछ ऐसा करना है सर, ऐसा करना है सर बोलने से, मतलब ये क्यों हो रहा है, जैसे कि हम, जैसे हम आइनॉक्स ऑपरेशन है और दो दूसरा है वो आइनॉक्स प्रोजेक्ट है, और दूसरा वो प्रोजेक्ट ने काम दे दिया है लिंदे प्रोजेक्ट को ठीक है, तो ये लिंदे प्रोजेक्ट को जो काम कर रहा है तो ये आइनॉक्स प्रोजेक्ट वालों ने करके लेना चाहिए ना, वो ठीक तरह से करके नहीं ले रहे, अभी हमको वो प्लांट को संभालना है तो हम ऑपरेशन वाले हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनको नहीं बता सकते लिंदे को, हम प्रोजेक्ट वाले को बता सकते हैं, इसके लिए हम उसको बताने जाते हैं क्योंकि ये भी आइनॉक्स है ये भी आइनॉक्स है, इसके लिए हम उसको बताने जाते हैं, लेकिन वो ऐसा छोटा बड़े का मन में रखते हैं। नेचुरल ये सब नहीं रखना चाहिए ना उनको, वो तो नहीं रखना चाहिए। अगर समझो आपके घर में आपका बेटा जो है वो आपसे ज़्यादा पढ़ गया, रोज वो कुछ बोलेगा तो फिर आपको ये लगेगा ना ये रोज कुछ बोल रहा है मुझे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक बार मान लो हमको बोल दिया ना कि जाओ तुम ही करो करके, फिर हम ये तो कुछ डांट दिया भैया ऐसा नहीं बताना ये नहीं करना है, हाँ तो हम उसको कुछ बोलते नहीं, लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है हमारे ऊपर, हमारा जो बॉस है वो क्या बोलता है कि हम कुछ काम नहीं कर रहे, हम करवा के नहीं ले रहे काम, ऐसा वो बात हो जाता है, तो वो मेरे ऐसा मन में डर नहीं जाती है, बात मन में क्यों रखना है आप? क्योंकि क्या है वो, हम क्या बताएं उनको, कैसे समझाए? नहीं कुछ लोगों के ऐसा होता है कितने भी समझ नहीं बोले तो मैनेजमेंट ऐसे क्यों है, ऐसे मैं सोचते रहता हूँ। अब ज़्यादा सोचते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ वो ऐसा क्यों है बोले तो उसका सिस्टम ऐसा है ना, मतलब मैं क्या बोला, मैनेजमेंट जो जैसे बनाए आपने सेफ्टी का, अभी नया आपको भी पता होगा IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम आ गया ठीक है, फिर भी आप ऐसा चलते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ये करना है, एक दूसरे को खींचना है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में ये भी नहीं चलना चाहिए। तो मैं वो सोचता कि जब ये ऐसा मैनेजमेंट बनाया है फिर भी आप ऐसा उल्टा क्यों चलते हैं, ऐसा सोचते रहते हैं। सब और ये जैसे क्या है, ये बात सर इंडिया में ही होती है, अगर विदेश में जाके हम काम करेंगे ना तो वहाँ पे ऐसा डील नहीं होगा कभी, वो लोग खाली काम ही देखेगा, लेकिन हमारा इधर इंडिया में क्या हो रहा है कि एक दूसरे को खींचते हैं, तो उसमें हम वही सोचता है फिर ये ऐसे क्यों चलता है, नहीं आप हम कम बोलते हैं लेकिन पॉइंट का बोलते हैं, ऐसा करते हैं। तो वो उसको क्या लगता है कि गलत लगता है वो बात कि हम बोलते नहीं है, वो जैसे मराठी में है ना वो खाली मुंडी पाता चुंडी, मराठी में वो कहावत है, अगर नीचे देख के चल रहा है ना वो बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा वो सोचता है। नहीं अभी सिस्टम जो है पूरा, तो अब जो बोला इंडिया में ऐसा होता है फॉरेन में ऐसा नहीं होता, फॉरेन में ही होता है, क्यों नहीं होता, होता है हर जगह में, होता है हर कंपनी में, होता है अब जो बोल रहे ना हर कंपनी में होता है, कुछ कंपनी में थोड़ा कम होता है, कुछ कंपनी में थोड़ा ज्यादा होता है, होता तो जरूर है, सब लोगों का खान वही पे तो ऐसा क्यों होता है, टांके चाहिए करना पड़ता है, तो घर में भी अभी सास और बहू का झगड़ा होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, सोचते रहता हूं, इसको बोलते हैं। अभी हमारा भी ऐसे ना हो गया ना, जैसे शादी हो गया तो मैं सोच रहा हूं कि पहली बार अगर स्टार्ट हो गया झगड़ा तो कभी बंद नहीं होगा, तो वो स्टार्ट होने नहीं देने का झगड़ा। मैं उसके लिए कुछ भी अगर मैटर हो जाता है ना तो तुरंत मैं बीच में पड़ देता हूँ, तुरंत उसको रोक देता हूँ, तो उसको आगे बढ़ाने नहीं देता हूँ, फिर मैं सोचता कैसे होता क्यों हो रहा है। आप जब घर में रहते हो तब तो बढ़ाव नहीं देते, बाद में आप जाने के बाद क्या क्या होता है, जाने के बाद फिर हो जाते हैं। हाँ इसलिए रुकाने का यहाँ जब रहते हैं वो बड़ी बात नहीं है, उनका सोच बदलना बड़ी बात है, ऐसा जो है ना सोच का बदलना। अब देखो इसको बोलते हैं सिंपति, सिंपति जो बोलता है यो क्या यार ऐसा कर रहा है, उसका उसका जैसे ही वर्ड है एम्पति बोल के,
एम्पति, एम्पति मीन्स क्या होता है, ये क्या ऐसा नहीं सोचना है, उसका जगह में जाके सोचना है। समझो अभी मैं इधर बैठा हूँ, आपकी जगह आके बैठना है मुझको, आपका सिचुएशन मुझको पता चलता है। एक बार आपका कंपनी में आना है, आप जो काम कर रहे हैं वो काम मुझको करना है, तब मुझको पता चलता है जो प्रॉब्लम है। कोई नहीं ऐसा नहीं करता, वो करने से आपका जो सास है, आपका जो मम्मी है, मम्मी की जगह खड़ा होके आपका वाइफ सोचना है, आपके वाइफ के जगह खड़ा होके आपका मम्मी सोचना है, वही वैसे क्यों नहीं वो आपको वो बताना पड़ता है। मम्मी आप सोचो, आप किसी के घर में नया अभी शादी होके जब आए, आपका नया परिवार आ गया, नया डिफरेंट कल्चर आ गया, डिफरेंट अभी जो 20 साल 25 साल जो लाइफ बिता के आए हैं, वो 25 दिन में, एक साल में, दो साल में कैसे बदले, वो जो स्टेप बाय स्टेप बदलता है ना, इसलिए उनको वो समझना जरूरी है। एट द सेम टाइम वही होता है, जैसे अभी मेरा बॉस है ना, अभी वो हमको इतना डांटता है, इतना डांटता है, किसको, हमको, कितना भी मतलब डांटता तो भी हम कुछ उनको बोलता नहीं है, ठीक है। खाने के समय में वही जाता हूँ, सर खाना खा लीजिए, ठीक है, वो खाना खाने में ये करते हैं थोड़ा, अभी उनका क्या परिवार वगैरह आया नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी का लोग है ना आराम से बैठेगा, अपना खाएगा, कुछ करेगा, उनके ऊपर ध्यान नहीं देगा, लेकिन हम ऐसा करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो हमको ही ज्यादा डांट पड़ता है। किसके ऊपर प्यार ज्यादा है उसको ही डांटना पड़ता है ना। अब समझो आपका बेटा खड़ा है और 10-15 बच्चे खड़े हैं उधर, आप किसको डांटोगे, बाजू का घर का जो बच्चा पड़ा है उसको डांटोगे क्या, आपका बच्चे को ही डांटोगे ना, तो ऐसा ही है। जो बॉस किसको ज्यादा डांटता है ना, उसके ऊपर ज्यादा प्यार है, उसको अच्छा लगना चाहिए, अच्छा वो अच्छा बनना है। आप ऐसा सोचना स्टार्ट कर दो, क्यों डांटता है, मुझको और भी अच्छा करने के लिए डांट रहा है, मुझको और भी वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए, मेरा काम अच्छे से करने के लिए डांट रहा है। आप ऐसा सोच सकते हैं ना, ऐसा तो सोचता है, हाँ, ऐसे ही सोचना है, इसीलिए हम चुप रहता है, फिर वापस उनके पास चला, हाँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, ऐसा ही करना है आपको रोज, वो कितना भी डांटे तो हाँ बोलना है, बाद में जब वो शांत रहता है ना, तब आप अच्छे से, कभी ना कभी तो अच्छे से बात करता है ना, शांत रहता है ना सर, तब उस टाइम पर आप एक जो काम कर रहे थे, आप तो ऐसा बोल रहे थे, ये तो हमारे बुक में, हमारे जो बहला में, जो हमारा जो ट्रेनिंग हुआ है उसमें तो ये लोग ऐसा बोल दिए थे ना, तो फिर वैसा करना है या जो आप बोल रहे थे ऐसा करना है, ऐसा करने से क्या क्या एडवांटेज होता है, ऐसा ऐसा करने से डिस्कस कर सकते हैं, वो अरे यार वो उस टाइम पर कुछ ध्यान में नहीं था यार, हम तो कैसे बोल दिए, आप सोच कर करना है ना, आपके ऊपर आएगा फिर से, इसलिए तो पूछ रहा हूँ सर आज, हाँ ठीक है ठीक करो बोले सर। हम फ्रेंडली रहने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, कोई भी बॉस फ्रेंडली रहने से तो एक बार दो बार डांटता है, मगर इफ़ यू आर हैविंग रियली टैलेंट, आपके ऊपर टैलेंट है, तो एक बार डांटने से और एक बार अच्छे से वो 100% बात करेगा, 100% जो सिस्टम है वो एक ही दिन में, एक साल में, एक 5 साल में, और इंडिया इज एन ए डेवलपिंग कंट्री, बाकी जो डेवलप हो गया ऑलरेडी, हमारा डेवलपिंग कंट्री है, अभी 10 साल ऐसे ही चलने वाला, अभी 10-15-20 साल डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंटिंग कंपनी है, कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है, डेवलपमेंट में एक दूसरे की कर देते हैं, डेवलपमेंट चल रहा है। क्या होता है, हम लोग ज़्यादा डेवलप हो, वो लोगों से अच्छा हम बने, ऐसा ही सोच में क्या होता है, सब लोग हमारा नाम आना है कंपनी, हमारा नाम अच्छे से आना, इसलिए वो लोग आपका काम छीनना, आपसे ही अच्छा रहना, आप ज़्यादा आगे जाके खड़ा रहना, ऐसा करते, मगर आपका जो टैलेंट है, आप कितना पीछे रहो, आपका काम आपको आगे लेकर आएगा, मेरे हर जगह होता है ऐसा। कुछ कॉन्ट्रैक्टर लेबर भी करते हैं, आप वो कंपनी वाले देते हैं 20-25,000 रुपीस, वो लोग काम वाले को देते हैं 10-15,000, कॉन्ट्रैक्टर ले लेता है 10 से ज़्यादा वो ले लेता है, एक एक आदमी से होता है ना, सब जगह होता है, पैसे के बारे में होता है। अब वो बोला 8 घंटे काम, ये तो 10 घंटे का काम करा लेगा, हर जगह होता है, नहीं तो एक ही आदमी से दो दो काम कराना, 2-in-1 चाहिए, 3-in-1 चाहिए। अगर एक कॉलेज में, एक स्कूल में एक वैकेंसी का लिए, वो हेडमास्टर पोस्ट है, तो वो पूछेगा हेडमास्टर काम तो करना पड़ेगा तुमको, बाद में हमारा कंपनी, हमारा स्कूल का अकाउंट भी देखना पड़ेगा, और अब हमारा स्कूल का एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा आपको,
हाँ, हमारा स्कूल का जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी करना पड़ेगा, और हमारा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करना पड़ेगा, और हमारा जो पेरेंट्स आएगा पेरेंट्स का भी ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो फिर उसको कन्फ्यूज, अभी हेडमास्टर का काम करूँ या पेरेंट ट्रेनिंग करूँ या मार्केटिंग देखूँ या अकाउंटिंग करूँ, क्या क्या करूँ मैं, ये काम तो कर सकता है ना ठीक से। और वो लोग स्कूल वाले क्या समझते, सोचते हमको 5 in 1 चाहिए, पगार तो एक इतना ही देंगे, 15,000 या 20,000 देंगे बस, 5 लोगों का पगार बचाना है बस, अपना बिल्डिंग बनाना है बस, पगार बचाएगा। सब लोग ऐसे ही तेरे, बड़े बड़े कंपनी लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, सब लोग मल्टी टैलेंटेड पूछते हैं, एक से ज़्यादा उसको पता रहना चाहिए, क्योंकि एक ही सैलरी में दो काम होना है। अगर मैं भी कल एक कंपनी स्टार्ट किया तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, मैं बाकी से अलग नहीं हूँ, मैं भी सोचूंगा अरे यार 10,000 बच जाएगा ना एक आदमी, उसको क्या है, उसको अकाउंट भी आता है और वो मैनेजमेंट भी कर सकता है, HR नॉलेज भी है, उसको ले लो तो फिर, और पगार भी जस्ट 20,000 मांग रहा है वो, सिर्फ दूसरा जो MBA के HR देखेगा वो तो 30,000 मांग रहा है ना, उसको छोड़ दो, बलाए उसके मास्टरिंग हो गए वो आदमी, उसको छोड़ देंगे, ये जा का फाल मास्टर ऑफ नन ऐसा आदमी को पकड़ के वहाँ बैठेंगे, तो फिर कैसे पड़ेगा। तो वो आके क्या करेगा, अपना जो नीचे रहता है उनके डांटेगा, उनसे काम निकालेगा, अपना क्रेडिट डालेगा। लेकिन हमारा दिमाग ऐसे नहीं चलता, हम ह्यूमैनिटी लेकर चलते हैं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए। अभी हमारे पास 2 कैजुअल हैं, ठीक है, अभी उनको पेमेंट भी कम दिया है, ठीक है, कुछ 7,000 ऐसा ये करके दे दिया है, लेकिन बाकी के लोग अभी वो मेरे अंडर में हैं, ठीक है, तो उनको काम बताने समय वो अपना काम बताते हैं उनको, ठीक है, हमको पूछते भी नहीं कि हमको दो एक आदमी दे दो, दो में से एक दे दो, एक करो, हाँ, उनको उनसे वो काम ले लेते, खाली अपना काम के बारे में ये कर लेते। लेकिन अभी वो क्या बोल रहे हैं, 8 बजे या तो कभी लेट रुकना है ना, तो वो मेरे को डांट रहे, तुम उसको क्यों नहीं रुकाता है, वो दूसरा डिपार्टमेंट वाला है, वो मेरे को बोल रहा है तुम उनको क्यों नहीं रुकाते हो 8 बजे, हाँ 8 बजे बोले अपने को चाय लगेगी, करेगी हाँ लगेगी, कुछ बर्तन ये करना है, तो इसके लिए रुकाना है ना तुमको, हम तुमको बोल रहे हैं ये कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हम रुकाएगा उसको, उनको ओटी कौन देगा, उसको कौन देगा, उसके बारे में आप सोच रहे हो क्या, हाँ, तो वो नहीं वो सोचते हर जगह होता है, हर जगह ऐसा ही चलता है, मतलब आदमी आदमी को ये नहीं करता, ह्यूमैनिटी आजकल ऐसा ही, ह्यूमैनिटी के कम हो गए, हमको पैसा मतलब है, पैसे की मतलब, पैसे का मतलब है बस, पैसा आना चाहिए, कैसे आता है पता नहीं, पैसा आना चाहिए बस। हम मान लीजिए 15,000 रुपये हम कैसे हमारा घर नहीं चलता है, तो वो बेचारा कैजुअल है, उसका 7,000 में कैसे चलेगा ना, उसका भी होगा ना कुछ, जरूर होगा तो उसका भी सोचना चाहिए ना हमको, ऐसा बात करते हैं। हर आदमी का एक जिम्मेदारी रहता है, हर आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, हर आदमी का एक एक लाइफ स्टाइल रहता है, उसी लाइफ के स्टाइल के हिसाब से उसको गुजारा करना पड़ता है, उसी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना पड़ता है, उसी पैसे में आप उसको गुजारा करना पड़ता है, उसी हिसाब से उनका घर रहना वो सब चलता रहता है, तब हम लोग उसको डिस्टर्ब करने से उसका लाइफ में प्रॉब्लम होता है, वही प्रॉब्लम वो कंपनी पे भी डिपेंड करता है, उसका ध्यान भटक जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, एम्प्लॉय रिलेशंस कम हो जाता है, और थैंक यू, ओके। सो जो भी आपके ऐसा प्रॉब्लम है तो कभी भी आ सकते हैं, कभी पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई थिंक यू हैव गॉट सम आइडिया बाय लिसनिंग दिस पर्टिकुलर discussion. Thank you. In future, if any like that programs are going to be live, I'll just inform on the Facebook. Thank you all. Bye bye. Happy Sunday. Enjoy the